भाई मोटो ने ना अपना G64 लॉन्च कर दिया, G64। हाँ भाई, हाँ भाई, जी सीरीज जिनमें इन लोगों ने G34 निकाला था, G54 निकाला था, इस बार इन लोगों ने लॉन्च कर दिया G64। और इसमें पता है इन लोगों ने क्या क्या दिया भाई? इसमें इन लोगों ने दिया वर्ल्ड का फर्स्ट मीडियाटेक डायमेंसिटी का प्रोसेसर, जो इसमें मोबाइल में प्रोसेसर है ना भाई, वो वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोसेसर है, इस मोबाइल के अंदर आया सबसे पहले वो। और इसमें इन लोगों ने दिया भाई 6000 mAh की बड़ी बैटरी, पूरी बड़ी बैटरी भाई 6000 mAh की। क्या बोला तूने? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक मंथन पे। भाई मोटो ने ना अपना नया मोबाइल लॉन्च कर दिया, कौन सा? जी सीरीज का। आप लोगों को बताइए, देखो जी सीरीज कमाल की होती है भाई, मोटो की कमाल धमाल बेमिसाल कहूंगा भाई जी सीरीज को। तुम स्टार्टिंग रेंज की सीरीज है, 10,000, 8,000, 8,000 में मोबाइल है इसका, 10,000 में भी है, 12,000-13,000 रुपए में भी है। तो अभी ये लोग ना जी सीरीज का एक नया मोबाइल लेके आए हैं, कौन सा है भाई? वो है मोटो G64, जो इनका मोटो G54 था ना उसका सक्सेसर है भाई ये। और वही 15,000-16,000 रुपए की प्राइस रेंज में लेके आए हैं भाई। देखो कुछ भी कहो भाई, मोटो ने ना धूम मचा के रखी है। मैं कह रहा हूँ अकेली ही कंपनी ऐसी है जो सारी कंपनियों को मिलकर ना टक्कर दे रही, अकेली ऐसी कंपनी है भाई। और मुझे तो लगता नहीं भाई कोई भी एक महीना ऐसा जाता होगा जब ये मोबाइल लॉन्च ना करते हो मोटोरोला अपनी तरफ से। हर महीने कोई ना कोई मोबाइल, कभी 30,000-35,000 का, कभी 20,000 का, कभी 10,000 का, 12,000 का, कभी 15,000 का भाई लगे हुए हैं हर सेगमेंट में। और ऐसा नहीं है कि भाई काम चलाओ मोबाइल है, बाकी कंपनियों की तरह बस चला रहे हैं, ये नाम रख दिया, वो नाम रख दिया, प्रॉपर चीजें भी दे रहे हैं भाई अच्छी अच्छी। ऐसा नहीं है कि बस नाम मात्र का चल रहा है मोबाइल। बात तो सही है। तो आज की वीडियो में ना हम बात करेंगे मोटो G64 के बारे में कि भाई क्या क्या इन लोगों ने इसमें दिया है, क्या बढ़िया चीज दी है, डिस्प्ले कैसी दी है, कैमरा कैसा दिया है, प्रोसेसर कैसा दिया है, डिटेल में बात करेंगे भाई इस मोबाइल के बारे में। तो वीडियो को ना स्किप मत करना बिल्कुल भी, एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। करो भाई करो, फटाफट से सब्सक्राइब करो चैनल को। तो भाई अगर मैं बात करूं इसके वेरिएंट की, तो दो वेरिएंट में लोगों ने लॉन्च किया है। जो इसका पहला वेरिएंट है, बेस वेरिएंट है इसका, वो है 8GB 128GB, और जो इसका हायर वेरिएंट है दूसरा वेरिएंट इसका, वो है 12GB 256GB। और भाई वर्चुअली रैम भी मिल जाती है इसमें आप लोगों को, अगर 8GB वाला वेरिएंट खरीदते हो तो 8GB+8GB मिल जाएगी, और अगर 12GB वाला वेरिएंट खरीदते हो तो 12+12 की रैम मिल जाएगी। यार वर्चुअली तो यार खामा खा का नाटक है, कोई फायदा वायदा तो मुझे ज्यादा लगता नहीं है वर्चुअली का, बस दे देते हैं ये लोग। हाँ अब 12GB रैम कम थोड़ा ही ना भाई कि 12GB और वर्चुअली यूज करेगा आदमी, यार क्या। और बात करूँ अगर इसकी डिस्प्ले की, तो इसमें इन लोगों ने 6.5 इंच की फुल HD+ की IPS LCD डिस्प्ले दी है, जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। देखो 15,000 रुपये के आसपास इसका प्राइस रेंज है भाई, उस हिसाब से डिस्प्ले थोड़ी मैं कहूँगा यार हाँ थोड़ी सी इनको अच्छी करनी चाहिए थी, अच्छी इन द सेंस कि AMOLED देनी चाहिए थी, क्योंकि भाई बहुत से मोबाइल ऐसे हैं जो 15,000 रुपये में ना AMOLED डिस्प्ले दे रहे हैं। तो यहाँ मैं कहूँगा थोड़ा सा डिस्प्ले पे तो भाई काम करने की जरूरत थी, बाकी वैसे ठीक है यार, चलो फुल HD+ डिस्प्ले है, 120Hz का रिफ्रेश रेट भी दे रहे हैं, चलो भाई ठीक है, क्या एवरेज कहूँगा भाई। देखो डिस्प्ले को मैं ज़्यादा अच्छी भी नहीं कहूँगा और बेकार भी नहीं कहूँगा, एवरेज है। और भाई बात करूँ अगर इस मोबाइल के प्रोसेसर की, तो मोटो का कहना है कि भाई ये वर्ल्ड का फर्स्ट फ़ोन है जो कि इस प्रोसेसर के साथ आ रहा है, पहला फ़ोन है भाई ये। कौन से प्रोसेसर के साथ? इसमें इन लोगों ने दिया मीडियाटेक डायमेंसिटी का 7025 का प्रोसेसर, 7025 का प्रोसेसर, जो कि एक 6nm बेस्ड प्रोसेसर है। अंतुतु स्कोर की बात करूँ तो भाई 500,000 के आसपास का इसका अंतुतु स्कोर आता है ऑन पेपर, जो मैं कहूँगा ठीक ठाक है भाई इस प्राइस रेंज के हिसाब से, ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं बट हाँ ठीक ठाक है। और भाई नया प्रोसेसर है तो देखते हैं, अभी कुछ दिन बाद ही पता चलेगा कैसा है कैसा नहीं है। पुराना प्रोसेसर का तो पता होता है भाई, कोई क्वालकॉम स्नैपड्रैगन है या फिर मीडियाटेक का दूसरे प्रोसेसर है जो पुराने, उनका तो पता होता है। अब एकदम चमचमाता हुआ, एकदम मैं कहूँगा ना बिल्कुल अभी फैक्ट्री में से अभी निकलता हुआ प्रोसेसर आया, पहला ही मोबाइल है, तो कुछ दिन बाद पता चलेगा यूज़ करने के बाद कि भाई कैसा प्रोसेसर है ये। और भाई अगर बात करूँ इसके कैमरे की, जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी भाई इसमें, इन लोगों ने डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है। जो इसका मेन कैमरा रियर का वो है 50MP का, जो OIS के साथ आता है, जो सेकेंडरी कैमरा है वो है 8MP का, और यही 8MP भाई अल्ट्रा वाइड का काम भी करेगा, डेप्थ का काम भी करेगा, मैक्रो का काम भी करेगा। वो 2MP का चलता है ना डिजाइन, 2MP 2MP 4-5 कैमरे लगा दो भर दो मोबाइल को, वो नहीं किया भाई, वो बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे मोटो की। और बात करूँ फ्रंट की, तो फ्रंट में इन लोगों ने 16MP कैमरा दिया है। और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो इसके रियर और फ्रंट दोनों ही कैमरे से आप लोग 1080p तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, अप टू 30fps। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है इसमें भाई, ना इसके रियर कैमरे में ना इसके फ्रंट कैमरे में। और बात करूँ अगर इसके UI की, तो देखो वैसे आप लोगों को पता ही है, देखो क्लीन UI मिल जाता है, और इनका अपना ही है भाई जो मोटो का MIUX 14 मिल जाता है, जो कि एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड है। और अपडेट्स के मामले में भाई मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूँ इन लोगों से, क्यों भाई वो क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई एक साल तक तो इन लोगों ने कहा कि मेजर अपडेट देंगे, मतलब सिर्फ 15 तक मिलेगा, 14 अभी दे रहे हैं बॉक्स में, 15 तक मिलेगा, और 3 साल तक ये सिक्योरिटी अपडेट देंगे। तो देखो सिक्योरिटी अपडेट तो ठीक है 3 साल, बट भाई मेजर अपडेट इन लोगों को 2 देने चाहिए थे, कम से कम 15 और 16 तो
देने ही चाहिए थे भाई। देखो यार, सब तो तीन तीन चार चार साल पे जा रहे हैं और आप लोग अभी भी एक ही साल का मेजर अपडेट भाई नहीं, इसको सुधारो भाई थोड़ा सा। देखो मोटोरोला ऐसे बात नहीं बनेगी भाई। देखो बिल्कुल बैटरी की बात करूँ तो भाई इसमें 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी है, 6000 mAh की भाई, पूरा ट्रक का बैटरी रख दिया ला करके, जो मैं कहूँगा एक अच्छी चीज है भाई ये। फास्ट चार्जिंग की बात करूँ तो 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर इसमें मिल जाता है आप लोगों को बॉक्स में ही, बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है भाई, इसी के बॉक्स में मिल जाएगा, आराम से मस्त चार्ज करो। हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है, मतलब या तो दो सिम डाल सकते हो या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हो। 3.5 mm का जैक मिल जाता है, FM रेडियो मिल जाती है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, फेस अनलॉक मिल जाता है, और भाई इसमें टोटल 14 5G बैंड मिल जाते हैं, डुअल बैंड वाईफाई मिल जाता है, और भाई ये IP52 की सर्टिफिकेशन के साथ आता है, IP54 नहीं भाई, IP52 की सर्टिफिकेशन की, मतलब छीटा छाटी अगर आप लोग करोगे इस मोबाइल के ऊपर तो कुछ नहीं बिगड़ेगा इसका। स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं, वो भी डॉल्बी एटमॉस के साथ। अगर बात करूँ इस मोबाइल के प्राइस की तो भाई जो इसका 8GB 128GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस इन लोगों ने दिया 14,999 रुपये, मतलब कि 15,000 रुपये, और वही जो इसका 12GB 256GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस इन लोगों ने दिया 16,999 रुपये, मतलब कि 17,000 रुपये। तो देखो भाई 15,000 रुपये के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो डिस्प्ले तो मैं एवरेज कहूँगा भाई, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है और ज़्यादा बेकार भी नहीं है, एवरेज डिस्प्ले है भाई। देखो प्रोसेसर ठीक ठाक लग रहा है, देखो अभी तो देखने में लग रहा है ठीक ठाक है प्रोसेसर, अंतुतु स्कोर के हिसाब से भी 5 लाख के आसपास ठीक है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं और एवरेज से थोड़ा ऊपर ही कहूँगा। कैमरा भाई नो डाउट, देखो कैमरा अच्छा है, अल्ट्रा वाइड 8 MP का तो नो डाउट बढ़िया कैमरा है, भले ही 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ना दी हो इन लोगों ने, बट भाई कैमरा बढ़िया है। 6000 mAh की बैटरी दे रहे हैं और बड़ी बैटरी जिसको मैं कहूँगा, आराम से भाई कुछ भी यूज करो आप लोग, एक दिन तो आराम से चलेगी भाई ये। और 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर भी मिल रहा है और भाई UI भी ठीक ठाक है, बट एक साल का अपडेट कहा है उन लोगों ने, बट ठीक है 15 तक भी दे रहे हैं भाई, ठीक है 15,000 रुपये में आपके बच्चे की जान ले लोगे यार। तो देखो मेरे हिसाब से तो अगर 15,000 रुपये में मैं कहूँ तो हाँ एक ऑलराउंडर फोन है ठीक ठाक, जैसे कि मोटो G54 फेमस था, अभी भी है भाई, फेमस था नहीं अभी भी है, अभी भी लोग पसंद कर रहे हैं उस मोबाइल को, तो मुझे लगता है कि उस हिसाब का मोबाइल है ये, आने वाले साल 2 साल 3 साल आराम से आप लोग यूज कर सकते हो इस मोबाइल को। 15,000 रुपये का है और कुछ टाइम के बाद ये 1-2 हज़ार रुपये वैसे ही कम कर देते हैं तो 12-13 हज़ार रुपये में आ जाएगा ये, 6 महीने के अंदर ना आप देख लेना है 12-13 हज़ार रुपये में आ जाएगा। तो 15,000 रुपये के हिसाब से भाई देखो, मैं अगर आप लोग को अपनी पर्सनल राय बताऊँ तो 15,000 रुपये के हिसाब से तो ठीक है भाई फोन, बाकी आप लोगों की क्या राय भाई इस मोबाइल को लेकर के प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो बस भाई वीडियो को एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज कमेंट करके बताइए कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।